मूवी की स्टार्टिंग में हमें बलवंत सिंह नाम का एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है जो 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी को लेके इंडिया आता है और वो इस ब्लैक मनी का यूज मुख्यमंत्री बनने के लिए करना चाहता है। और दूसरी तरफ पूजा एक PhD स्टूडेंट होती है और वह क्रिमिनोलॉजी के बारे में स्टडी कर रही होती। पूजा अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक क्रिमिनल के ऊपर स्टडी करती है जिसका नाम मोहन गांधी होता है। मोहन गांधी इसलिए जेल में सजा काट रहा होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी का मर्डर कर दिया होता है। पूजा के पापा क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर होते हैं और वह उनकी परमिशन लेके सेंट्रल जेल में मोहन गांधी से मिलने को जाती है। मोहन गांधी अपनी स्टोरी बताता है कि वह एक अनाथ है और उसे राजशेखर जी ने गोद लिया होता है। वह उनसे बहुत प्यार करता है और उनकी फैमिली का एक मुख्य हिस्सा होता है। राजशेखर जी उसे अपने बेटे की तरह चाहते हैं और उसे अपनी कंपनी में भी जॉब दे देते हैं। और उसी टाइम मोहन गांधी को एक लड़की चित्रा से प्यार हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है और उनकी एक 6-7 साल की बेटी भी होती है। एक बार बलवंत सिंह राजशेखर जी के ऑफिस में आता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा 10,000 करोड़ का ट्रांसैक्शन करना होता है और राजशेखर जी रेडी हो जाते हैं उसका वह काम करने के लिए। लेकिन तभी एक गड़बड़ी हो जाती है, राजशेखर जी को CBI वाले अरेस्ट कर लेते हैं और CBI के स्पेशल ऑफिसर का नाम अर्जुन होता है और वह राजशेखर जी को इंटरोगेट करता है। और दूसरी तरफ बलवंत सिंह मोहन गांधी को अपने घर पे बुलाता है और कहता है तुम उनसे पैसों की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछो, अगर उसने नहीं बताया तो तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर देंगे। यह सुन के मोहन गांधी जेल में उनसे मिलने जाता और उनसे पैसों के बारे में पूछता है लेकिन वो बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि एक बार उन्हें पता चल गया पैसे कहाँ हैं तो वो हम सबको वैसे ही मार डालेंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग मोहन गांधी के घर में घुस जाते हैं उसके रिश्तेदार बनके और मोहन गांधी से कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे की इन्फॉर्मेशन पता चले तो सबसे पहले तुम्हें हमें बताना है, फिर उसके बाद बलवंत सिंह को बताना है। मोहन गांधी दोनों तरफ से फंस चुका होता है और उसकी फैमिली भी खतरे में होती। और दूसरी तरफ मोहन गांधी को पैसों की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है क्योंकि जब वह जेल में राजशेखर जी से मिलने गया होता है तब उन्होंने इशारे से इस इन्फॉर्मेशन उसे बताया। वह इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले बलवंत सिंह को बताता है लेकिन बलवंत सिंह इन्फॉर्मेशन लेते ही राजशेखर को जेल में ही मरवा डालता है। और दूसरी बार मोहन गांधी यह इन्फॉर्मेशन अपने घर में घुसे हुए लोगों को बताता है। जैसे ही मोहन गांधी अपने घर में घुसे लोगों को पैसों की इन्फॉर्मेशन देता है वह उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहां से बच के भाग जाता है। लेकिन तभी उनके कुछ लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर कर देते हैं लेकिन उसकी 6 साल की बेटी वहां से भाग जाती है और वह पुलिस वालों को मिल जाती है। मोहन गांधी भी जख्मी हालत में पुलिस वालों को मिल जाता है। मोहन गांधी सारे क्राइम को अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसकी बेटी की जान बच सके। वह ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने उसकी फैमिली का मर्डर किया होता है और उसे जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ पूजा अपने पिता के नकली सिग्नेचर करके कुछ फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेती है जिससे मोहन गांधी रिहा हो जाता है और जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है अर्जुन और उसकी पुलिस की टीम वहां आ जाती है लेकिन फिर भी वह उन सबको चकमा दे के वहां से भाग जाता है। मोहन गांधी ने पूजा को बेवकूफ बनाया होता है, उसने किसी दूसरे कैदी की कहानी उसे सुनाई होती है। वह एक हंसराज नाम के कैदी की कहानी होती है जो उसी जेल में उसी के साथ बंद होता है। असल में मोहन गांधी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल होता है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और वो बहुत इंटेलिजेंट क्रिमिनल होता है इसलिए कभी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। मोहन गांधी 8 करोड़ रुपए के पीछे पड़ा होता है, यह सब उसके प्लान का हिस्सा होता है। असल में सारी कहानी दुबई से स्टार्ट होती है, वहां पर मोहन गांधी को 10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है और वह वहीं से इन सब पैसों को पाने का प्लान बना लेता है। पैसे की सारी इन्फॉर्मेशन बलवंत सिंह के भाई दुर्जन सिंह के पास होती है लेकिन दुर्जन सिंह की एक कमजोरी होती है और यह कमजोरी मोहन गांधी को पता चल जाता है। दुर्जन सिंह एक बार डांसर चित्रा पे फिदा होता है और इसी कमजोरी का फायदा मोहन गांधी उठाता है। वह चित्रा को पैसे का लालच देके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब चित्रा दुर्जन सिंह से मिलने उसके होटल पे पहुंची है तब वह सेल्फी लेने के बहाने से दुर्जन सिंह के फोन में एक वायरस डाल देती है जिसकी मदद से वह उसके फोन को हैक कर लेते हैं और उसकी सारी डिटेल उन्हें पता चल जाती कि पैसा कब कहां से और किस जगह जाएगा। लेकिन तभी दुर्जन सिंह को चित्रा के बारे में पता चल जाता है लेकिन मोहन गांधी उसे बचा लेता है और वहां से भगा के ले जाता है। लेकिन जब मोहन गांधी दुर्जन सिंह से बच के भाग रहा होता है तभी अर्जुन और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है लेकिन तभी मोहन गांधी को दुर्जन सिंह की एक गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है और पुलिस के हाथ से बच के निकल जाता है। तब तक वो सारा पैसा दुबई से निकल के इंडिया पहुंच चुका होता है। इस इन्फॉर्मेशन का पता मोहन गांधी को नहीं होता है कि पैसा कहां और किस जगह पर पहुंचा है। तभी मोहन गांधी खुद इंडिया आके अपने आप को पुलिस से अरेस्ट करवा लेता है और कोर्ट में अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है जिससे उसे 20 साल की सजा हो जाती है और वह उसी जेल में पहुंचता है जिस जेल में हंसराज कैद होता है क्योंकि हंसराज ही एक इकलौता होता है जिसे यह पता होता है कि वह पैसे कहां है। वह उसकी कहानी का यूज करके उन पैसों के बारे में पता
पता लगा लेता है। जब पुलिस हंसराज को कोर्ट में पेश करने वाले होती है तभी बलवंत सिंह के लोग उस पर हमला कर देते हैं और वो पुलिस को चकमा दे के हंसराज को पकड़ के बलवंत सिंह के पास ले जाते हैं। बलवंत सिंह हंसराज को टॉर्चर करके उससे पैसों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और दूसरी तरफ मोहन गांधी उस आदमी को पकड़ लेता है जो हंसराज के घर में घुसा होता है और उसकी फैमिली का मर्डर किया होता है। जब मोहन गांधी उस आदमी को पीटता है तब वह बता देता है कि वह किसी दूसरे की गाइडेंस में काम कर रहा होता है। उसे यह सब कुछ करने के लिए कहा गया होता है। उसे यह कहा गया होता है कि अगर तुम रुपए को चुरा लेते हो तो वो सारे पैसे तुम्हारे, मुझे सिर्फ बलवंत सिंह को सीएम नहीं बनने देना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वह आदमी तैयार हो जाता है ये सब काम करने के। तभी मोहन गांधी और उसकी टीम ट्राई करती है उस आदमी की फुटेज से उसके बारे में पता करने के लिए और कुछ कॉल डिटेल से पता करने के लिए, लेकिन उस आदमी के एक कॉल डिटेल से पता चल जाता है कि वह आदमी कौन है जो उसको गाइड कर रहा होता है। वह आदमी और कोई नहीं होता, वह आदमी पूजा के पिता होते हैं जो एक पुलिस वाले क्रिमिनल होते हैं और वह भी 10,000 करोड़ रुपए के लिए सब काम कर रहे होते हैं। और तभी पूजा को अपने पिता की असलियत पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि सब के पीछे उसके पिता ही है, उसी ने हंसराज के फैमिली का मर्डर करवाया है। मोहन गांधी अपने ऊपर नकली गोलियां चलवाने का नाटक करता है जिसमें वह जख्मी हो जाता है और उसके साथी पूजा को यह बताते हैं कि वह यह सब चैरिटी के लिए कर रहा है। और पूजा हॉस्पिटल में आके यह कहती कि मैंने सारे पैसे तुम्हारे चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन तभी पूजा को पता चलता है यह सब नाटक है। उसने फिर से उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन इस बार पूजा बेवकूफ नहीं बनती, उसे यह सब कुछ पहले से ही पता होता है और वह दूसरी बार मोहन गांधी के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहता। तभी पूजा दुर्जन सिंह से डील करती है और कहती है कि तुम बच्ची के पिता को दे दो और मैं तुम्हें पैसे की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन डील के अनुसार जैसे ही पूजा दुर्जन सिंह को पैसे देने ही वाली होती है वहां पर मोहन गांधी आ जाता है और उन सब की पिटाई करके वह पैसे को अपने पास ले लेता है। तभी सीबीआई ऑफिसर अर्जुन भी वहां आ जाते हैं और वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें भी चकमा दे देता। लेकिन जैसे ही मोहन गांधी पैसे लेके जाने ही वाला होता है तब वह देखता है कि दुर्जन सिंह ने उस बच्ची को उठा के फेंक दिया होता है। इससे उसका दिल पिघल जाता है और वह उन सबको मार के बच्ची के पिता को छुड़ा लेता है और मोहन गांधी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन ऑफिसर अर्जुन उसे अरेस्ट नहीं करते, कहते कि तुम अब बदल गए हो, अब तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, और वह सारी ब्लैक मनी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। बलवंत सिंह और दुर्जन सिंह की ब्लैक मनी के बारे में मीडिया को पता चल जाता है और उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।